हेलो एवरीवन दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास टेंथ मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर को नंबर्स जो है उसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है जैसे नंबर्स क्या होते हैं नंबर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं इसके साथ ही आपने बहुत सारे टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है जैसे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जो नंबर्स जिनके बारे में हम पढ़ते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स यानी वो नंबर्स जिनको हम किसी चीज़ की काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं दिस आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स क्लियर अब इसी नेचुरल नंबर के ग्रुप के साथ अगर मैं ज़ीरो को इंक्लूड कर दूं तो एक नया ग्रुप ऑफ नंबर्स बनता है जिसको हम कहते हैं होल नंबर्स क्लियर अब इस होल नंबर के ग्रुप के साथ अगर मैं ये जो नेचुरल नंबर है इनका नेगेटिव पार्ट भी ले लूं तो एक नया ग्रुप बनता है नंबर्स का दैट आर कॉल्ड एज इंटीजर्स क्लियर नेगेटिव पार्ट ले लेते हैं ना हम इन नंबर्स का साथ में ठीक है ये टू नेगेटिव नंबर्स ये चलते जाते हैं जीरो वन टू थ्री तो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है इसे कहते हैं इंटीजर्स नेक्स्ट जो टाइप ऑफ नंबर हमारा आता है वो होता है फ्रैक्शन जैसे आपने इस टाइप के फॉर्म्स के नंबर्स पढ़े होंगे ना वन बाई टू हो गया थ्री बाई फोर हो गया तो ये सारे नंबर्स क्या हैं ये सब फ्रैक्शंस हैं इसके साथ हम जो पढ़ते हैं वो है डेसिमल नंबर्स ठीक अब डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं तो पॉइंट्स वाले नंबर्स पढ़े हैं ना जैसे पॉइंट फाइव हो गया 1.2 हो गया तो ये सारे नंबर्स क्या हैं ये सब डेसिमल नंबर्स हैं इसके बाद जो नेक्स्ट हमने टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ा हुआ है वो होता है रैशनल नंबर्स ठीक और इसके साथ ही नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर जो है इरेशनल नंबर्स तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है आपने वेर पी एंड क्यू बोथ आर integers बट क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो इ नंबर्स क्या होते हैं सिंपल सा डेफिनेशन है जस्ट इसके ऑपोजिट जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं इ नंबर्स ठीक है ये सारी बातें अगर आप एन सी आर टी में चैप्टर वन में जो पहला टॉपिक है उसे देखो तो आपका फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिविजन नेमा लेकिन ये टॉपिक जो है ये आपके सिलेबस में अब नहीं है यानी सी ने इसे रिमूव कर दिया है ये आपको नहीं पढ़ना है आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं करने हैं अब बात करते हैं एक्सरसाइज वन पॉइंट वन की तो एक्सरसाइज वन पॉइंट वन ऐसे देखने में तो हमें लगेगा कि पूरा ही एक्सरसाइज जो है वो यूक्लिड डिविजन लेमा पे बेस्ड है सही बात है जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो इसी पैटर्न में दिए हैं कि यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन यूजिंग इंग यूक्ड्स डिविजन लेमा बट अगर आप एक्सरसाइज वन पॉइंट वन के क्वेश्चन को देखो तो उसमें कुछ क्वेश्चन एच सी एफ पे बेस्ड है दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ द गिवेन नंबर्स इन सम पर्टुलर क्वेश्चन यहाँ पे हमें दो नंबर्स गिवन है आपके एन सी आर टी में बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि यू हैव टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग यूक्लिट डिविजन लेमा तो हम उसको छोड़ के जो बाकी मैथड्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं तो कैसे निकालेंगे हम इन दोनों नंबर्स का एच सी एफ पहले हम देख लेते हैं हमारा प्राइम फैक्ट्राइजेशन मेथड उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे लॉन्ग डिविजन मैथड तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ करेंगे तो उससे हम कैसे एच सी एफ निकालते थे तो इन दोनों ही नंबर्स का हम अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लेंगे यानी इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देंगे अब ये वन थर्टी फाइव है तो ये क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर फाइव से डिवाइड होगा ना ये दिस विल बी ट्वेंटी सेवन क्लियर अगेन ये थ्री से हो जाएगा अगेन ये नाइन आएगा ठीक है एंड दिस इज़ थ्री एंड दिस इज थ्री क्लियर है तो ये आ गया हमारा वन थर्टी फाइव का फैक्ट्राइजेशन इसी तरह से हम टू ट्वेंटी फाइव का भी प्राइम फैक्ट्राइजेशन निकाल सकते हैं इसको भी हम फाइव से ही डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे दिस विल बी फोर्टी फाइव अगेन फाइव नाइन थ्री एंड थ्री क्लियर है तो ये दोनों नंबर्स जो हैं इनको तो हमने इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया वन थर्टी फाइव कैन बी रिटेन एज फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री क्लियर इसी तरह से हम टू ट्वेंटी फाइव को भी लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री क्लियर है इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है एक ये फाइव है ठीक और साथ में यहाँ पर ये थ्री कॉमन आ रहा है और ये थ्री कॉमन आ रहा है क्लियर तो एच निकालने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पास मल्टीप्लीकेशन में है सो दिस इज फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री दैट इज फोर्टी फाइव तो ये जो फोर्टी फाइव आया है ये इन्हीं नंबर्स का क्या है एच है अब हम इसी इन्हीं दोनों नंबर्स का एच लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे ठीक अब इन दोनों के एच को निकालने के लिए जो भी छोटा नंबर है उसको हम मान लेंगे डिवाइजर और जो दोनों में से ग्रेटर है उसको हम मान लेंगे हमारा डिविडेंड ठीक और उसके बाद डिवीज़न स्टार्ट करेंगे तो देखो ये वन टाइम इससे डिवाइड होगा ठीक है जब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दिस विल बी नाइन्टी ठीक इस 90 से 135 को डिवाइड कर लो अगेन ये कितने टाइम्स कटेगा फिर से ये वन टाइम्स ही कटेगा दिस इज 45 और ये जो 45 है ठीक ये 45 आया हमारा रिमाइंडर अब ये जो होता है देखो यहाँ पर भी सेम स्टेप हुआ है ना ये जो हमारा डिवाइजर होता है ये नेक्स्ट स्टेप में जब हमारा कुछ भी रिमाइंडर बच जाता है तो इस स्टेप में डिविडेंड की तरह काम करने लगता है और इस रिमाइंडर को हम एज अ डिवाइजर यूज़ करते हैं तो इस नाइन्टी से हम इस वन थर्टी फाइव को डिवाइड करेंगे ठीक अब क्या होगा ये फोर्टी फाइव हमारा रिमाइंडर आया ये नाइन्टी हमारा डिवाइजर था इसको हम एज अ सॉरी डिविडेंड यूज़ करेंगे क्लियर अब ये कट जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा ज़ीरो ठीक तो देखो यहाँ पर एच सी एफ क्या हो गया फोर्टी फाइव क्यों एच सी एफ हुआ फोर्टी फाइव तो जिस नंबर से हम लास्ट डिवीज़न करते हैं जिसके डिवीजन से आ, के बाद हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है वही वाला डिवाइजर एच होता है इस टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो ये स्टेट करता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है जस्ट फॉर एग्जाम्पल फोर्टी ठीक तो इस 45 को मैं लिख सकती हूँ थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव ठीक सो दिसन इंटू फाइव तो ये 45 क्या है कंपोजिट नंबर ठीक और ये सब नंबर्स नंबर्स क्या है प्राइम तो इस 45 को यानी इस कंपोजिट नंबर को मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया क्लियर अब सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होते क्या हैं तो प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके सिर्फ दो प्रोडक्ट्स हो सॉरी दो फैक्टर्स होते हैं जैसे टू ठीक टू के बाद होता है थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन ये सारे नंबर्स क्या है ये सारे नंबर्स प्राइम हैं क्यों प्राइम है क्योंकि इनके दो ही फैक्टर्स हैं दो फैक्टर्स का होने का मतलब हो गया कि टू जो है ना सिर्फ दो नंबर के टेबल में आता है एक तो वन के टेबल में और एक खुद टू अपने टेबल में आता है ठीक इसी तरह से थ्री भी वन के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है फाइव सेवन एलेवन इन सब के साथ सेम केस है ठीक कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो यानी वन हो वो नंबर खुद हो और उस नंबर के साथ कोई भी एक, एक एक्स्ट्रा ऐसा नंबर मिल जाए जिसके टेबल में वो आता है जैसे अगर फोर है तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि फोर वन के टेबल में आता है खुद अपने टेबल में आता है और साथ ही साथ फोर टू के भी टेबल में आता है तो ये जो टू है ये इस फोर का फैक्टर हो गया ठीक तो इस फोर के दो से ज्यादा फैक्टर्स हो गए तो वो सारे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सारे ही नंबर्स हमारे क्या होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं क्लियर है ये बात तो ये जो कंपोजिट नंबर होता है इसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं ठीक तो ये स्टेटमेंट सॉरी ये थ्योरम जो है हमारा ये स्टेट करता है कि ये एक्सप्रेस तो हो सकता है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में साथ ही ये जो प्रोडक्ट आता है ये एक यूनिक प्रोडक्ट होता है यूनिक होने का मतलब हो गया कि आ, हमेशा जो फोर्टी फाइव है इन्हीं तीन नंबर्स के प्रोडक्ट से आएगा ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है हम इसको फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री भी लिख सकते हैं थ्री इंटू फाइव इंटू थ्री भी लिख सकते हैं ठीक तो ऑर्डर को नहीं देखना है ऑर्डर के बिना ये जो प्रोडक्ट आता है ये एक यूनिक प्रोडक्ट होता है क्योंकि ये इन ही पर्टिकुलर इन्हीं तीन नंबर्स के प्रोडक्ट की वजह से आता है क्लियर है ये बात तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है आपको दैट इज वन फोर्टी आपको इसको इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन तो सिंपली जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते थे ना बिल्कुल उसी तरह से इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे और इसको इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे ठीक है बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में एम के फॉर्म में आ सकता है कोई भी एक नंबर दे देगा नीचे ऑप्शंस में उसके प्राइम फैक्टराइजेशन और साथ में दो चार और प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिए जाएंगे आपको करेक्ट वाले को, कि उनमें से कौन उसका है, वो चूज करना होगा सो दिस इज टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव मल्टीप्लाइड बाई सेवन क्लियर है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ द गिवेन नंबर्स एंड वेरीफाई अ रिलेशन यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं जिनका एल और एच हमें फाइंड करना है और उसके बाद उन दोनों नंबर्स पे उनके एल सी के बेसिस पे एक रिलेशन वेरीफाई करना है क्या है रिलेशन दैट द एल सी एम मल्टीप्लाइड बाई एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स तो ये जो वेरीफिकेशन बेसिकली हमें यहाँ करना है ना ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं उनके प्रोडक्ट Uh, का जो वैल्यू होता है वो उनके उन दोनों नंबर्स का जो एल और एच आता है ना उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है क्लियर है पहले बात करें एच की तो हमें क्या करना होगा इन नंबर्स को फैक्टराइज uh, करना होगा ट्वेंटी सिक्स को हम फैक्टराइज करेंगे सो ट्वेंटी सिक्स इज़ बेसिकली टू इंटू थर्टीन ठीक सो आई कैन राइट ट्वेंटी सिक्स एज़ टू इंटू थर्टीन हेयर अब हम क्या करेंगे नाइन्टी वन का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे सो नाइन्टी वन का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ये सेवन से डिवाइड हो जाएगा थर्टीन टाइम्स ओके सो बेसिकली दिस इज थर्टीन इंटू सेवन सो नाइन्टी वन को मैं लिख सकती हूँ थर्टीन इंटू सेवन या फिर सेवन इंटू थर्टीन तो यहाँ पे हमें एक सिंगल टर्म ही कॉमन मिल रहा है दैट इज़ थर्टीन यानी इन दोनों नंबर्स का एच सी एफ क्या हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू थर्टीन क्लियर है ये क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स का हम एल सी एम कैसे निकालेंगे दोनों टर्म्स का एक ही साथ क्या करते हैं फैक्टर्स निकाल लेते हैं ठीक हुआ, हुआ. तो तो है अब ये और या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लो हमें ट्वेंटी सिक्स दिख रहा है कि वो थर्टीन सॉरी टू के टेबल में आता है तो हम टू तो से करेंगे अब ये नाइनटी वन तो टू से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि एक ऑड नंबर है तो नाइन्टी वन एज इट इज़ लिख दिया जाता है ठीक अब आया थर्टीन और नाइन्टी वन अब कुछ भी कर सकते हैं या तो थर्टीन से डिवाइड करें इनको या फिर सेवन से अगर सेवन से करेंगे तो थर्टीन और सॉरी थर्टीन जो है सेवन के टेबल में नहीं आता है इसलिए थर्टीन को हम एज इट इज़ रहने देंगे और नाइन्टी वन को सेवन से डिवाइड करेंगे तो ये अगेन आ जाएगा थर्टीन सो हेयर इट विल बी थर्टीन और ये क्या आ जाएगा वन ठीक है तो ये जो टर्म आया है इनका जो प्रोडक्ट है यही हमारा एलसीएम दे देगा दैट विल दैट इज इक्वल टू टू इंटू सेवन इंटू थर्टीन अब इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो दैट विल बी वन एटी टू तो ये जो वन एटी टू आया है ये इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हो जाएगा ठीक तो ये आ गया हमारा एच ये आ गया एल अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें ये रिलेशन वेरीफाई करना है ठीक है तो चलिए अब हम इस रिलेशन को वेरीफाई करके देख लेते हैं सो so, जो हमारा रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो हमें एल और एच का मल्टीप्लिकेशन करना है ठीक सो लेफ़्टाइड इज़ एल सी एम मल्टीप्लाइड बाई एच सी एफ सो एल सी एम वॉज़ वन एटी टू एंड एच सी एफ़ कितना आया था तो एच सी एफ वॉज थर्टीन ठीक अब यहाँ जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आप देख सकते हो कि इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं ठीक है मैंने नंबर्स को ए और बी मान लिया है और उनको मल्टीप्लाई कर लिया है तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा टू थ्री सिक्स सिक्स ठीक इसी तरह से इस साइड भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा टू थ्री सिक्स सिक्स क्लियर है तो ये जो रिलेशन है ये हमारा वेरीफाई हो गया कि जिस भी दो नंबर का एल और एच हम निकालते हैं उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो एल और एच के प्रोडक्ट के इक्वल होता है चेक वेदर सिक्स टू दावर एन कैन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन सपोज द नंबर इज ऑफ द फॉर्म सिक्स टू दावर एन आपको बताना है कि क्या एन की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके वजह से ये जो टर्म है इसकी वैल्यू जो भी आए वो जीरो से एंड करे ठीक तो हम क्या करेंगे कि एन जो है उसकी वैल्यूज uh, रख रख के चेक कर लेते हैं एन एक नेचुरल नंबर है यानी वन से एन की वैल्यू स्टार्ट होगी अगर मैं चेक करूँ सिक्स की पावर वन सो दैट विल बी सिक्स सिक्स की पावर टू दैट इज़ थर्टी सिक्स सिक्स की पावर थ्री दैट इज़ टू हंड्रेड सिक्सटीन ठीक इसी तरह से अगर हम सिक्स की पावर फोर कर दें सो दैट विल बी इक्वल टू वन टू नाइन सिक्स ठीक तो ये जो टर्म्स है ना देख रहे हो आप हर बार सिक्स की हम कोई भी पावर रख रहे हैं तो वो पावर सिक्स में ही एंड होती है ठीक सिक्स की कोई भी पावर आप निकाल लो चाहे कितना भी बड़ा नंबर रख लो मान लो सिक्स टू द पावर एटी टू ले लिया ऐटी टू भी एक नेचुरल नंबर है तो इसको भी आप जब सॉल्व करोगे ना तो चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू आए एंड हमेशा ये सिक्स से ही होगा तो सिक्स का कोई भी ऐसा पावर नहीं होता है जिसके वजह से जो वैल्यू आएगी उस टर्म की वो जीरो से एंड हो ठीक तो सिक्स टू पावर एन यानी यहाँ जो एन नेचुरल नंबर है इसकी कोई भी पॉसिबल वैल्यू है नहीं तो हमारा आंसर होगा नो no, और इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे तो बेसिकली क्या होता है यार कोई भी टर्म अगर वो ज़ीरो से एंड कर रहा है तो उसके दो फैक्टर्स होते हैं टू और फाइव ठीक तो यहाँ पर जो सिक्स है इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे यानी इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में सो दैट विल बी इक्वल टू टू इन थ्री ठीक और जीरो से एंड करने के लिए इसके पास टू और फाइव दोनों ही फैक्टर्स होने चाहिए थे यहाँ टू तो है पर फाइव नहीं है ठीक सो so, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं थैंक यू एंड स्टे यू टू माई चैनल